हिमाचल प्रदेश की भाजपा की मिशन रिपीट को लेकर शिमला में मंथन जारी है। 3 दिन तक कोर कमेटी की बैठक में मिशन रिपीट 2021 को लेकर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में मीडिया से रूबरू होते हुए मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ की तो दूसरी तरफ कांग्रेस पर जमकर बरसे। अनुराग ठाकुर ने महंगाई, कोरोना व अनुच्छेद 370 पर खुलकर बात की। अनुराग ने कहा कि पंजाब और राजस्थान सहित कांग्रेस शासित राज्यों में कोविड से लड़ने में सरकारें फेल रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री से उनके विधायक तक नहीं मिल पाते हैं, इसलिए वहां कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह मची हुई है। पंजाब ने वेंटिलेटर कूड़ेदान में डाल दिए तो वहीं वैक्सीन निजी अस्पतालों को बेच दी। वहीं राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी की गई। केंद्र सरकार कोरोना से लड़ाई लड़ रही है। पिछले साल जब कोरोना आया था उस वक्त से स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी हुई है, भारत में वैक्सीन भी बन रही है और देश के लोगों को लग भी रही है। दिग्विजय सिंह के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए उसी तरह तड़प रही है जैसे बिन पानी मीन। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के पत्रकारों की भाषा बोल रहे हैं। भाजपा सरकार ने अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए दफना दिया है। कांग्रेस यदि पाकिस्तान के पत्रकारों की भाषा बोल रही है तो ये देश के साथ गद्दारी है। महंगाई के मुद्दे को लेकर पूछने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में आज से ज़्यादा महंगाई थी। पेट्रोल डीजल के रेट बाजार तय करता है, इसलिए आगे सस्ता होगा ये महंगा या उसी पर निर्भर करता है। देखिए, पहली बात मैं कहूँ कि जब कोरोना महामारी आई उस समय देश के अंदर एक भी पीपी किट नहीं बनती थी, वेंटिलेटर नहीं बनते थे, वैक्सीन का दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं था। भारत में तो 40-40 साल तक वैक्सीन नहीं आती थी जो दुनिया भर में आ जाती थी। लेकिन ये मोदी जी का नेतृत्व था जिसने आत्मनिर्भर भारत का ना केवल नारा दिया, उस पर चलाया भी। आज एक दिन में 15 लाख से ज्यादा पीपी किट बनती है, देश और दुनिया को दी जाती है। वेंटिलेटर बेड मात्र 20,000 थे जो बढ़कर 4,40,000 हो गए। 1,551 PSA ऑक्सीजन प्लांट देश भर के कोने कोने में स्थापित किए जा रहे हैं। कोविड वैक्सीन एक नहीं दो दो निर्माण भारत कर रहा है। अमेरिका ने अगर 30 करोड़ वैक्सीन लगाई तो भारत ने 25 करोड़ वैक्सीन लगाई और भारत के बाद ब्राजील ने 8 करोड़ वैक्सीन लगाई, बाकी देशों ने 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ लगाई है। तो इससे पता चलता है भारत ने वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में भी शानदार काम किया है और इस साल के अंत तक 216 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन भारत में उपलब्ध होंगी और लगभग सारे देश को वैक्सीनेशन उपलब्ध होगी। इसके अलावा पहले तो सभी राज्य कहते थे कि हमें वैक्सीन खरीदने का अधिकार दो। जनवरी फरवरी महीने की आप सारी स्टेटमेंट उठाकर देखिए, अधिकतर विपक्ष के राज्यों ने कहा हमें अधिकार दो वैक्सीन खरीदने के। जब अधिकार दिए तो वैक्सीन खरीद नहीं पाए तो कहा कि मोदी सरकार खरीद के दे। हमने 45 साल से ज्यादा वालों को भी मुफ्त वैक्सीन लगाई, 18 साल से ज्यादा वालों को भी, देश के हर व्यक्ति को मुफ्त वैक्सीन नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगा रही है। देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही है, पासवान वाली जे। शिमला से PLTV के लिए पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।